नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एक नए सबमरीन्स के बारे में, जिसका नाम है INS वेला, जिसको कि पिछले दिनों भारतीय नौसेना में सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया गया सक्सेसफुल ट्रायल के बाद। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस सबमरीन्स के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि जो INS वेला है, यह चौथी सबमरीन है 6 कालावरी क्लास सबमरीन के, जिसको कि डेवलप किया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। दोस्तों यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है। दोस्तों स्कॉर्पियन आधारित पनडुब्बी हुआ है जो कि फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी ग्रुप यानी कि DCN डेवलप कर रही है भारत के साथ मिलकर के, जिसका कि निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है जो कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 नई सबमरीन को नौसेना को दे दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग INS वेला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बता दें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 1650 टन है और इसकी लंबाई 67 मीटर है, जबकि बीम इसकी है 6.2 मीटर, जबकि इसकी हाइट है लगभग 12.3 मीटर। और यदि हम लोग इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरफेस पर जा सकता है, और यदि सबमर्ज हो यानी कि पानी के अंदर रहे तो लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और दोस्तों इस नेवी के जो नया सबमरीन है, इसकी रेंज है लगभग 12,000 किलोमीटर, यानी कि एक बार सक्सेसफुली फ्यूल होने पर यह 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। और दोस्तों इसका इंड्योरेंस है लगभग 50 दिन, यानी कि 50 दिनों तक यह समंदर में रह सकता है, और इसकी मैक्सिमम गहराई का जो लेंथ है वह लगभग 250 मीटर, इसका मतलब कि यह सबमरीन 250 मीटर अंदर तक जा सकता है, यानी कि इसके नीचे जाने पर इसके अंदर डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब दोस्तों यदि हम लोग इसके क्रू संख्या की बात करें तो इस पर लगभग 8 ऑफिसर और 35 सेलर्स रहेंगे। दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस है, जिसमें कि एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी लैस है, यानी कि इसका जो काउंटर अटैक है और डिफेंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अब दोस्तों इस सबमरीन के हम लोग कुछ ऑर्नामेंट्स की बात करें हथियारों की, तो दोस्तों इसमें 6x533 mm का टॉर्पीडो लगा होता है, जो कि 21 की संख्या में है, या 18 SUT टॉर्पीडो को इस पर लोड किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस किया गया है, जिसका नाम है SM-39। और दोस्तों इसमें 30 माइन को भी लोड किया जा सकता है टॉर्पीडो के जरिए। दोस्तों इसके आने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है, और आने वाले वक्त में इसी स्कॉर्पियन श्रेणी की 2 और पनडुब्बियों को कुछ ही दिनों में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।